नमस्कार, डॉक्टर मनीष फ्रॉम डॉक्टर ससंगी क्लिनिक। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन अपॉन विटामिंस, क्यों लेना चाहिए, क्यों आपको जरूरत होती है उनकी, कब आपको विटामिंस नहीं लेना चाहिए, क्या आप ये जो विटामिंस को पॉप कर रहे हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या डॉक्टर जो 10-12 विटामिंस लिख देता है इसको लेना क्या आपके लिए आवश्यक है, विटामिंस आपको खोखला कर सकते हैं, आपकी आपको बीमार कर सकते हैं और एक्सेस विटामिंस खाने से आप खत्म भी हो सकते हैं, इन बात की जानकारी आज मैं आपको इन ट्यूटोरियल्स में दूंगा। विटामिंस इन मेजोरिटी ऑफ पीपल दे थिंक दैट पॉपिंग अ पिल ऑन डेली बेसिस टेकिंग मल्टीविटामिंस विल हेल्प टू एनहांस टू इंप्रूव देयर हेल्थ, बट दिस इज अ मिथ व्हिच वाज सीरियसली बीइंग क्रिएटेड इन द लास्ट 20 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे विटामिंस हैं जो आपकी लाइफ खत्म कर सकते हैं ठीक करने की जगह। एक स्पेसिफिक स्टडीज हुई थी, उनमें यह देखा गया कि जो लोग विटामिंस के ऊपर थे उनमें जो डेथ परसेंटेज थे समय से पहले वो 26.8% थे, और ऐसे व्यक्ति जो कि विटामिंस के ऊपर नहीं थे उनके मरने के परसेंटेज या मोर्टेलिटी रेट 18.1% थे, वो सेम ग्रुप ऑफ पीपल थे। तो इसका मतलब है कि आपकी विटामिंस की निर्भरता ने कहीं भी आपकी मोर्टेलिटी रेट को कम नहीं किया। अल्टीमेटली हम हेल्दी क्यों रहना चाहते हैं, जिससे कि मोर्टेलिटी रेट और हमारी लाइफ ज्यादा दिन तक रहे। नॉर्मली हम जब भी विटामिंस लेते हैं तो हम 10 से 12,000 मिलीग्राम्स की डोसेस लेते हैं। मेडिकली स्पीकिंग मैक्सिमम अलाउंस ऑफ सिंथेटिक विटामिन शुड नॉट बी मोर देन 2000, लेकिन आप देखिए हर तरफ के एडवर्टीजमेंट आपको यही बताते हैं कि आप विटामिंस लीजिए और रोज काम पे जाइए। So, हम धीरे धीरे करके बहुत सारे विटामिंस लेते हैं, कुछ डॉक्टर लिखते हैं, कुछ हम एस्टीआर देखकर लेते हैं, तो एक्चुअली हमारी डोजिंग बहुत हाई होती है। स्पेशली ए, ई और के, ये विटामिंस आपके हार्ट को नुकसान करते हैं, डायरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं, अनटाइमली डेथ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ केसेस में, और फ्रेंड्स इनको लेने से आपको फायदे की जगह नुकसान होंगे, इसके ऊपर भी अच्छी स्टडीज और वर्क होना चाहिए। तो मेरा ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपको सेंसिटाइज करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि एवरीथिंग विच यू थिंक इज एनहांसिंग योर सेल्फ इज एक्चुअली नॉट डूइंग इट। आप अपनी आंख खोल के देखें, पर्दे के पीछे की स्थिति को समझें और अपनी चॉइसेस नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ और नेचुरल फूड्स की तरफ बढ़ाइए। व्हाई विटामिंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, देखिए फ्रेंड्स विटामिंस आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिंस ही इस बात को इंश्योर करते हैं कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होगा, किस तरीके से आप अपना जीवन जी पाएंगे और किस तरीके से आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। विटामिंस आपके बॉडी की पार्ट थे, लेकिन हमने ये देखा कि वो केमिकल एजेंट्स आपकी बॉडी को बेहतर तरीके से चलाते पाए गए, अगर वो नहीं पाए जाते थे तो ये बीमारियां निकला करती थी। तो हमने देखा कि न्यूट्रिशन की कमी के कारण ये होते हैं ज्यादातर 80% केसेस में, और बचे हुए जो 20% केसेस है वो पाथवेज की प्रॉब्लम हो या स्टिटोरिया हो जिसमें कि फैट पच नहीं पा रहा हो या कोई और भी मेडिकली दिक्कत हो, उसमें 20% की कंडीशन में विटामिंस की कमी आती है। तो जब ये कमी देखते हैं तब हमें उनको रिप्लेनिश मतलब उनको सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अच्छी डाइट आप लें जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन गुड डाइट, जो हम डॉक्टर ससंगी से बहुत अच्छी क्लिनिक्स में ये नॉर्मली रिकमेंड की जाती है, इंश्योर की जाती है कि पेशेंट फॉलो करे, उसमें आपको विटामिंस पूरा मिलता है क्योंकि एक आप हेल्दी रहती है। जंक फूड आज की डेट में विटामिंस को रिप्लेस करता है। अल्कोहल की हैबिट्स, जो लोग अल्कोहल पे आधारित होते हैं उनमें भी पाइरॉक्सिन और राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी होती है, और ऐसी बहुत सी ड्रग्स भी आपके अंदर प्रोड्यूस करती है। तो फ्रेंड्स विटामिंस आर नथिंग बट दे आर पार्ट ऑफ योर गुड डाइट, एंड इंश्योर दैट यू टेक अ वेरी गुड डाइट, वेल बैलेंस्ड डाइट। फिर भी बीमार है कोई रीजन से तो डेफिनेटली यू गो अहेड विद द विटामिंस व्हिच आर रिकमेंडेड टू यू बाय अ डॉक्टर, बट नॉट ऑलवेज। फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं इस बात को कि आपका विटामिन आपको खत्म कर सकता है? यस, यू शुड नो अबाउट इट। स्पेशली हाइपरविटामिनोसिस एक कंडीशन थी जो पिछले 20 सालों में यूएस में डायग्नोस की गई। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे विटामिन हैं जो आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि आपके विटामिन जो आप अलग से खाते हैं वो आपकी ड्रग के एक्शन को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं? क्या आपको इस बात का अंदाज है कि आपके विटामिन आपको मजबूत करने की जगह आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं? देखिए ये सब फैक्ट है, इसलिए फ्रेंड्स कभी भी विटामिन की आवश्यकता तभी पड़नी चाहिए जब आपके अंदर नॉन न्यूट्रिशनल या विटामिन डिफिशियंसी है, या आपके डॉक्टर ने आपकी डायग्नोसिस करके आपको विटामिन डिसऑर्डर की कमी देखा है और आपको रिकमेंड किया। अदरवाइज आप विटामिन को जब भी
जब भी लें तो उससे पहले क्वेश्चन जरूर लगाएं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम विटमिन्स आर द कमर्शियल रिक्वायरमेंट नॉट अ मेडिकल रिक्वायरमेंट। ए और डी विटमिन से आप बचें। एक्सेस विटामिन ई भी आपको खत्म कर सकता है। आप जानते हैं एवियॉन में बहुत सारी ऐसे विटामिन ई कॉम्प्लेक्स हैं जो आपको दिए जाते हैं ये बोल के कि एंटीऑक्सीडेंट से और आपकी लाइफ को बेहतर करेंगे। आप बालों के डॉक्टर के पास आए, हड्डियों के डॉक्टर के पास है, उसने विटामिन ई आपको लिख दिया ये मान के कि वो एंटीऑक्सीडेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अंदर वाकई में विटामिन ई की कमी है तभी उसको लेना आपके लिए उचित है, अदरवाइज इट कैन स्लोली किल यू। दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर सत्संगी, हम कभी कभी हमने देखा है कि पेशेंट्स की हड्डियों में कमजोरी है या उसके विटामिन डी लेवल्स एक्चुअली में कम है, फ्री कैल्शियम लेवल्स कम है, इनको जब हम चेक करते हैं तो मैं उनको कभी भी फार्मास्यूटिकल पाउचेस रिकमेंड नहीं करता हूं अनलेस कि बहुत ही मेजर इश्यूज के साथ पेशेंट आया है। लेकिन मैं उनको बायोकेमिक सॉल्ट्स रिकमेंड करता हूं, और होम्योपैथिक विधा में एक बायोकेमिक सॉल्ट है जिसको हम शुजलस रेमेडी कहते हैं। वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि इनके इन बहुत सारे जो सॉल्ट्स के रूप में विटामिन्स बॉडी में और मिनरल्स के रूप में जो आवश्यकता होती है उनकी कमी और उनके डिस्टर्बेंस के अंतर्गत बहुत सारी बीमारियां पैदा हुई थी। तो इन बायोकेमिक सॉल्ट्स को भी हम एडवाइस करते हैं, उसमें स्पेशली कैल्केरिया फ्लोर, कैल्केरिया फॉस, सिलेशिया, कालीम्यूर, ये कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स से जुड़े हुए बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं जो अगर आपने अच्छी डाइट लिया तो आपके अंदर इन विटामिन्स स्पेशली विटामिन डी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को इनकॉर्पोरेट करने में मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, एट डॉक्टर सत्संगी एंड पर्सनली आई ऑलवेज होल्ड एन ओपिनियन दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग केमिकल विटामिन्स यू मस्ट रिजॉर्ट टू नेचुरल सप्लीमेंट्स। नेचुरल सप्लीमेंट्स सबसे कॉमन सप्लीमेंट्स होते हैं आमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, पिस्ताचियो इफ इन केस यू कैन अफोर्ड, डेट्स विच इज वेरी चीप, रेड ग्राम्स टू एन एक्सटेंट, मूंगफली, इसके अलावा फ्लैक्सीड जो कि प्रचुर मात्रा पे आपको किसी भी गांव देहात में मिल सकता है, बहुत ही चीप है, उसके तेल या उसका आप सेवन कर सकते हैं, और ऐसे और मोरिंगा, स्पेशली आयुर्वेद में, हर्ब्स में और होम्योपैथिक मेडिसिन में भी मोरिंगा की काफी भूमिका है। मोरिंगा दैट मीन्स ड्रमस्टिक, जिसको हम कहते हैं सहजन की फल्ली, ये सभी आपको विटामिन्स प्रचुर मात्रा में देते हैं, और आपको उसके लिए केमिकल्स फैक्ट्री से बने विटामिन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर लिखते भी हैं तो आप उनसे जरूर पूछिए कि ये विटामिन्स लिखने का क्या औचित्य है, क्या वाकई में विटामिन्स की डिफिशियंसी है। आप कभी भी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से ओवरलोड होकर विटामिन्स को अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए नहीं ले। मैं किसी भी विटामिन्स इंडस्ट्री के अगेंस्ट पे नहीं हूं, लेकिन मैं क्योंकि एक हेल्थ साइंस का डॉक्टर हूं तो मैं आपको हर समय कहूंगा कि जो आपके हेल्थ के अगेंस्ट में आती है उसको आप कम से कम ले, जो हेल्थ को हेल्प करती है उसको आप ज्यादा से ज्यादा ले। तो उस एम के साथ मैं आपको ये एडवाइस देना उचित समझता हूं। एंड एट लास्ट व्हाट आई विल कम आउट विथ यू इज डू नॉट पॉप पिल, बिकॉज आई बिलीव देर इज अ इल आफ्टर एवरी पिल बट देर इज नो पिल फॉर ईच एंड एवरी इल। सो ट्राई नॉट टू टेक पिल्स अननेसेसरली। नंबर टू, विटामिन्स उन्हीं कंडीशंस पे लीजिए जिसमें विटामिन डिपेंडेंट या विटामिन इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स हैं। नंबर थ्री, कोई भी विटामिन्स कभी भी आपके अच्छे ढंग से खाने को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आप गलती से कभी ये ना सोचे कि विटामिन्स खाएंगे और आप खाना कम खाएंगे आपका जीवन चलेगा, वो आपको खोखला करेगा, आपको बीमार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यंग एज में ओल्ड क्यों हो गए। चौथा, आप बहुत सारी ड्रग्स बेमतलब का खाते हैं, आप कम से कम खाइए, आयुष पद्धति को आप अपनाइए। आप केमिकल ड्रग्स खाते हैं, केमिकल ड्रग्स अनलेस देयर इज अ इमरजेंसी इट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो बहुत जगह आपको कमजोर कर रही है, आपके अंदर विटामिन डिफिशियंसी प्रोड्यूस कर सकती है। उसमें कॉमनली हमको वायरल इन्फेक्शन भी हुआ तो हम एंटीबायोटिक खा लेते हैं जो कि पेट के बैक्टीरिया फ्लोरा को डिस्टर्ब करके विटामिन डिफिशियंसी प्रोड्यूस कर सकती है। कभी कभी हम एसिडिटी हमें प्रोड्यूस होती है बिकॉज वी नॉट एबल टू लिव वेल, आपके डॉक्टर साहब ने आपको फट से एंटीसिड के रूप में ओमिप्राजोल दे दिया, पेट में जलन पे दे दिया, फिर बाद में आपके अंदर विटामिन की कमी होती है, बॉडी एनेमिक होती है, आपको सांस फूलती है, आपको पता नहीं रहता है कि आपको क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप आसानी से ड्रग्स पे डिपेंडेंट नहीं करिए, आप ज्यादातर नेचुरल पद्धतियों को, आयुष को अपनाइए, ऐसी स्थितियों में आपको कम से कम विटामिन डिफिशियंसी होगी। सो फ्रेंड्स, मैंने कुछ बातें आपके सामने ले आउट की है, ये सब साइंटिफिक ग्राउंड्स पे प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के अंतर्गत है, और ये एक तरह का टॉपिक है जो आपको आपके वेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जरूर इसको सुने, समझे, शेयर करें, इंप्लीमेंट करें, और मुझे आखिर तक सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूं। आई विल कम बैक टू यू। नमः शिवाय।